रूस और यूक्रेन वॉर में रूस की जो बमबारी है उसने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह किया और इन्हीं शहरों में से एक है इरपिन शहर, जहां पर रूस के बमों ने पूरा शहर तबाह कर दिया है। देखिए हमारे संवाददाता शिवांगी ठाकुर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए ये कार वॉश का इलाका था, तमाम लोग यहाँ अपनी गाड़ियों को लेकर आते थे, कार वॉश के लिए देते थे और उसके बाद सलून या बाकी जगहों पर जाते थे। बुलेट शॉट्स आप देख लीजिए, ये सारे बुलेट शॉट्स हैं। जब भिड़ंत हुई थी रूसी सेना और यूक्रेनी सेना के बीच, तो ये बुलेट शॉट्स यहाँ पर किस तरह से दागे गए थे और इस मिरर से जो बुलेट शॉट्स हैं यहाँ पर आप देखिए, ये पार होकर दूसरी तरफ जो मिरर है यहाँ पर ये सारे पहुँचे और इसके पीछे भी जो मिरर है वहाँ तक ये बुलेट शॉट्स गए हैं। तस्वीरें बयां करती हैं कि कैसे यहाँ पर आम जनता नहीं लेकिन इस तरह से जो बेजुबान जानवर हैं वो अपने मालिक को ढूंढते हुए घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं एक पनाह ढूंढने की। आखिर ये जाए तो जाए कहाँ? रूस की सेना जब इरपिन पर कब्जा कर रही थी उस वक्त इरपिन को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना ने यहाँ के इस ब्रिज को नष्ट कर दिया। आपको बता दें कि ये ब्रिज यूक्रेन की सेना द्वारा नष्ट किया गया, इरपिन से कीव को ये जोड़ता है ब्रिज, बेहद महत्वपूर्ण ब्रिज है। और यहाँ पर आप लगातार देखिए पीछे की ओर अभी भी यूक्रेन की सेना जो है वो तैनात है और उस तरफ पूरी तरह से रूस की सेना का इरपिन पर कब्जा था, लेकिन इस तरफ जो इरपिन का इलाका है वो यूक्रेनी सेना के पास था। ऐसे में रूस की सेना को आगे आने से रोकने के लिए एकमात्र यही उपाय बचा था और यूक्रेन की सेना ने इस पूरे पुल को क्षतिग्रस्त कर दिया ताकि रूसी सेना इरपिन के बाकी के हिस्सों पर कब्जा ना कर पाए और कीव की तरफ ना बढ़े। तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं कि किस तरह से अपने देश को, अपने लोगों को बचाने के लिए यूक्रेनी सेना ने इस पुल को तबाह कर दिया। आपको बता दें कि यहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी पहुँचे थे, मौके का जायज़ा लिया और ये सब देखकर वो भावुक हो गए कि किस तरह से उनके देश की हालत रूसी सेना ने कर दी है, लेकिन अपने देश के बचाव में आने के लिए यूक्रेन की सेना को इस तरह के कदम भी उठाने पड़े। कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को अब 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं और जैसे जैसे रूसी सेना के कब्जे से यूक्रेन की सेना अपने इलाके को छुड़ा रही है वैसे वैसे बर्बरता की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त तस्वीरों में जिस इलाके को आप देख रहे हैं ये यूक्रेन का इरपिन इलाका है और यहाँ पर रूस की ओर से मिसाइल दागा गया था जिसके बाद ये पूरा इलाका क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें बयां करती हैं कि जब यहाँ पर मिसाइल दागा गया क्या कुछ हुआ था और इस वक्त आप देखिए एक साइन बोर्ड जो है वो आपको नज़र आ रहा है, एक नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ये यूक्रेनी भाषा में लिखा है ताजमहल। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक इंडियन रेस्टोरेंट है ताजमहल जिसका बोर्ड यहाँ नज़र आ रहा है। ज़रा कैमरा पैन करके आपको ऊपर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ बोर्ड लगा होता है और जो प्राइस है पेट्रोल डीजल गैस के वो बोर्ड किस तरह से क्षतिग्रस्त है। अभी भी आप यहाँ पर देखिए तेज़ हवाएं चल रही हैं और लगातार जो यूक्रेन की सेना है वो अंदर जाकर तफ्तीश कर रही है। आपको बता दें कि जब रूसी सेना यहाँ से निकली, इरपिन का बहुत बड़ा इलाका जो था वो रूसी सेना के कब्जे में था जिसे यूक्रेन की सेना ने छुड़ाया और जब रूसी सेना यहाँ से निकली तो जगह जगह पर माइंस लगाकर निकली है। आपको बताया कि जब हम इरपिन में दाखिल हो रहे थे कई जगह पर माइंस जब ब्लास्ट हुई ऐसी आवाज़ें हमें सुनाई दी, कई जगह पर यूक्रेन की सेना इसे डिस्ट्रॉय कर रही है और कुल मिलाकर ऐसी ही तस्वीरें पूरे यूक्रेन में खासकर जो इलाका रूसी सेना के कब्जे में था देखने को मिल रही हैं। यूक्रेन से लगातार हम आपको तबाही की तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस वक्त इरपिन के एक सुपरमार्केट की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से जब यूक्रेनी और रूसी सेना के बीच यहाँ भिड़ंत हुई, बर्बादी की ये तस्वीरें हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये बुलेट के शॉट्स हैं। जब दोनों ही सेना के बीच भिड़ंत हो रही थी उस वक्त किस तरह से ये बुलेट के निशान यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। लगातार ये इलाका जो था वो रूसी सेना के कब्जे में था जिसे यूक्रेन की सेना ने छुड़ाया है। आगे बढ़कर आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। ये
सब आप देख सकते हैं, ये सभी बुलेट शॉट्स हैं, जब दोनों ही सेनाओं के बीच भिड़ंत हो रही थी। और आपको बताया, यहाँ जगह जगह पर जो सिविलियंस थे उन्हें बंधक बनाया गया था। एटीएम पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर खाने पीने का जो सामान है वो आप देखिए किस तरह से नीचे पड़ा हुआ है। और लगातार यहाँ पेट्रोलिंग की जा रही है, क्योंकि माइंस जो है वो बिछाकर रूसी सेना यहाँ से गई है। कैमरा पैन करके आपको आगे की भी तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये उनका वेयर हाउस है और वहाँ भी ऐसी ही तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। जब आप यहाँ चलेंगे, लगातार आप देखिए किस तरह से कांच के टुकड़े जगह जगह पर बिखरे हुए हैं। और आम लोग अब इस इलाके को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंच रहे हैं। इस इलाके को यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के कब्जे से छुड़ाया है, लेकिन जब भिड़ंत हुई उस वक्त क्या मंजर रहा होगा, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाने की कोशिश की। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप, अवेलेबल ऑन Google Play एंड App Store। डाउनलोड इट नाउ।